अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अपने अपने घरों में साफ सफाई से होंगे। आज हम बना रहे हैं बिरयानी, चिकन बिरयानी। ये हमने चार प्याज ली हैं, चार प्याज हैं ये हमारी, हम इनको फ्राई कर रहे हैं। हमने आधी प्याली घी डाला है इसके अंदर। ये चार टमाटर हैं बड़े साइज के और पांच छह हरी मिर्चें हैं। अदरक लहसुन है, ये चिकन है हमारा 3 पाव 75 ग्राम, और इसमें हमने दही, प्याज और बिरयानी मसाला लगा दिया है और मिर्चें भी डाली हमने थोड़ी सी अपने पास से, और होममेड हमारा बिरयानी मसाला है वो हमने इसमें लगा के इसको 2 घंटे पहले रख दिया था। अभी हम प्याज निकाल के फिर ये इसके अंदर डालेंगे, मसाला भून लेंगे। ये प्याज हम भून रहे हैं, इसको ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। ये हमने थोड़ी सा प्याज इसमें छोड़ दिया है, ये अपना मैरिनेट चिकन हम इसमें डाल रहे हैं। आधा प्याज था हमने तल लिया, तो जो तला हुआ प्याज था हमने आधा डाल दिया इसके अंदर, और उसमें अपना मैरिनेट चिकन डाल दिया, इसको हम भून रहे हैं। ये हमारे बनस्पति चावल हैं, 3 प्याली हमने ये चावल लिए हैं, इनको हम थोड़ा 20 मिनट भिगोएंगे इनको। ये हमने 4 से 5 अदर टमाटर लिए थे और 6-7 हरी मिर्चें ली थी, और ये 10 से 15 जो हैं कड़ी पत्ते हैं। ये हमारी चिकन हाफ रेडी हो गई है, अब हम इसमें ये डाल रहे हैं टमाटर, ये डाल के हल्का सा भून लेंगे, बस ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना, और फिर इसकी तेल लगाएंगे हम। 2 टेबल स्पून हम जीरा डालते हैं चावलों में। हम चावल ऐसे बनाते हैं, उबाल के नहीं बनाते, बिरयानी ऐसे बनाते हैं। 2 टेबल स्पून हमने ये डाल दिया है जीरा सफेद, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये अदरक लहसुन हम डाल के लगा के इसको भून रहे हैं, और इसमें हम चावल डाल देंगे। एक टेबल स्पून सिरका डाल रहे हैं, ये हमारे चावल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको अपना मसाला इसमें डालेंगे, चिकन वगैरह हम दिखा रहे हैं आपको। ये हमने प्याज डाला थोड़ा सा, ये मसाला डालेंगे। ऊपर से प्याज डाल दिया है इसके ऊपर, ये दूध में हमने जर्दे का रंग डाला है, दूध में हमने जर्दे का रंग डाला है, इसको हम ऊपर से डाल देंगे। अब हम इसको दम पे रख देंगे, दम पे रख देंगे हम इसको। अच्छा, इसके अंदर हमने थोड़ा सा केवड़ा भी डाल दिया, 3-4 ड्रॉप्स केवड़े के डाले थे।
ये हम अपने मिट्टी के कूडे में निकाल रहे हैं बिरयानी। ये देख लीजिए ये हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, ये देख लीजिए आप, बहुत अच्छी लग रही है शक्ल से तो, खाने में माशाल्लाह अच्छी होगी। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।